नहीं गुलगुले जी, मैं भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ मैं। तो पैर पड़ रहा था मैं आपके। मेरे पैर क्यों पड़ रहा था तू? वो आपके गुरुजी आ रहे ना जैकी चैन, मैं एक बार मुझे उनसे अकेले में मिलवा देना ना गुलगुले जी प्लीज। एक एक बस इतना फोटो खिंचवाना है उनके साथ में, एक ऑटोग्राफ उनका अकेले में कोने में दिलवा दीजिएगा बस प्लीज गुलगुले जी प्लीज। हाँ तो ठीक है यार, उसमें क्या है, मतलब वो तो हो सकता है, वो तो सकता है, लेकिन यार ये काम करवाने के लिए तू अगर अपने साथ समोसे कचौरी कुछ साथ में लेके आता तो बात बन सकती थी। हाँ तो अभी ले आऊंगा ना, मैं अभी लेके आता हूँ गुलगुले जी, लेकिन बात बनेगी। ला 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 ला, मैं लेके आता हूँ ना। हाँ समोसे कचौड़ी। गुलगुले जी को जाने नहीं देना है, मैं लेके आ रहा हूँ समोसे कचौड़ी। ए, क्या कर रहे बिल्लू? कौन बिल्लू? शर्म नहीं आती अपने बाप को बिल्लू कहते हुए? हाई स्कूल की परीक्षा नजदीक आ रही है, तू तू यहाँ पतंगे उड़ा रहा? तू बिल्लू नहीं, तू तड़का तो बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है तुझे बोलते हुए बेटा? अबे क्या हो रहा है बे, चौकी में शोर शराबा क्यों है? आ गई बासमा जी, चलते कहाँ चलते हैं? ये देख कैसी लफंडर औलाद पैदा किया तूने, अरे क्या खा के पैदा किया तूने इसको? क्या खा के? अरे तुझसे तो शादी करके भाग फूट गए मेरे। ये कौन है, कौन है बे? पराई औरत के साथ घूमते शर्म नहीं आती मेरे को, शर्म नहीं आती। कुछ हुआ था क्या सर? जिम सस्पेंड कर देंगे बे, ये होगा आज। डॉक्टर साहब आप जाकर वहां बैठिए प्लीज, बैठिए। सॉरी डॉक्टर तो दिखता नहीं क्या? डॉक्टर नहीं बिल्कुल। अबे दिखता है बे, डॉक्टर है ये, डॉक्टर दिखता है डॉक्टर। अबे आज हम तुझे सस्पेंड करेंगे, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, कमिश्नर साहब तक बचा नहीं पाएंगे। कह दिया तुझसे आज, आज प्लीज आज के लिए सर मुझे माफ कर दीजिए सर, आज मत कीजिए ना सर सस्पेंड। सर अगर आपने मुझे आज सस्पेंड कर दिया तो सर फिर मैं जैकी चैन जी से नहीं मिल पाऊंगा। सर जैकी चैन जी कल आने वाले हमारी चौकी में। सर क्या बात कर रहे बे, जैकी चैन हमारी चौकी में आ रहे? माफ किया तुझे, माफ किया हमने। अच्छा बता कौन ला रहा है जैकी चैन को चौकी में? गुल्लू, हाउ डू यू डू? फाइन सर। स्वीट बॉय गुल्लू, मिला ना? हाँ मिला हूँ सर। कब आएंगे गुलगुले जी, कब आएंगे बताइए ना, कब आएंगे? मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है अब। यार चुप रहे यार, मार्शल आर्ट का गुरु आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड ना आ रही थारी जो बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में? मैडम मत कीजिए ना प्लीज ऐसी इमोशनल बातें, आपको तो पता है कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई है अब तक, और आप मेरे जले पे नमक छिड़क रही हैं। मैं रैप का छिड़क दूंगी, चुप हो जा। वेल कहीं भूल तो नहीं गए गुरुजी रास्ता इसदा, मेरी बीवी रोज बनवाती है मुझसे नाश्ता इसदा। सही करती है। अरे अरे लेकिन एड्रेस तो मैंने एकदम सही समझा दिया था उनको। तो फोन कीजिए ना गुलगुले जी, फोन कीजिए ना, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा है कि मेरे सामने महान जैकी चैन आने वाले हैं। ये भी ठीक है। वेरी गुड, बेटर। गुरुजी कहाँ हैं आप? हाय हाय, जैकी चैन जी को हिंदी भी आती है? हाँ गुरुजी, उसी मिठाई की दुकान के सामने आना है आपको। हाँ आप उससे एड्रेस पूछिए ना। हाँ बस मेरा नाम मत लीजिएगा, बहुत उधार बाकी है ना मेरा। जी जी बस, गुरुजी की रिक्शा सामने तक पहुंच गई है। क्या जैकी चैन रिक्शे में आ रहे? यार इसके मुंह पे जरा टेप लगाओ, ये बहुत क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ना सीखने देगा ना सिखाने देगा। यो आइए 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 आइए।
पैर में क्या हो गया? किसी से लड़ाई हो गई क्या? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा भाभी है ना, जाने दो। ओह अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए, देखिए कौन आया है। अरे आशीर्वाद तो दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद चाहिए? Well, not at all is the, मुझे नहीं करवाना ऐसा हाल is the, है? ये कौन है? मेरे गुरुजी जैकी चैन। क्या? अरे इसमें चौंकने का क्या बात है? अरे बहुत बात है गुलगुले जी, मैं कल से सपने सजाए बैठा था कि मैं जैकी चैन से मिलूंगा, महान फिल्म स्टार जैकी चैन। आपने मेरे साथ धोखा किया गुलगुले जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी शंघाई नून को शंघाई नाइट बना दिया है। थारे से इसने कब कही कि जैकी चैन द फिल्म स्टार आ रहा है? इट्स अ मिथ। मैं आपको रश आर में मिलूंगा। अरे चल ना, चल अभी बहुत चल। आई देखो सांस खींचो। हाँ छोड़ो, हाँ बात सुनो, जैकी चैन चट्टोपाध्याय, आमी जैकी चैन है चैंगो नॉट चैन। हाँ जैकी चैन चट्टोपाध्याय हमार पूरा नाम। अभी जाओ कत्ता है, अरे जाओ। अब नहीं जाऊंगा। अरे चलना यार। गुरुजी, गुरुजी मैंने सुना है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर लड़ना सिखाते हैं। एकदम ठीक सुना है। पहले जमाने का जो फाइटर लोग होता था वो लोग आंख में पट्टी बांधता था और ऊपर में मछली का आंख में निशाना लगाता था। हम क्या करता है, जैसे तुम महाभारत में अर्जुन को देखा है ना, वैसा ही आंख में पट्टी बांध के हम फाइट करना सिखाता है। आप बोलो तुम फाइट सीखने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं। देवियों और सज्जनों, अब शुरू होने जा रहा है एक रोचक मुकाबला। यह मुकाबला है चंद्रमुखी चौटाला और चिंटू चोटी के बीच, और इस मुकाबले की शर्त यह होगी कि अगर चिंटू चोटी इस मुकाबले को हार जाता है तो वो रजनी द्विवेदी की जमीन से अपना कब्जा हटा लेगा। और अगर चंद्रमुखी चौटाला हार जाती है तो रजनी अपना हक इस जमीन से छोड़ देगा। शुरू होता है मुकाबला। पेंट टाइट है। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। कहाँ है चंद्रमुखी चौटाला, बुला उसे जल्दी। पुलिस की वर्दी में लड़ेंगी आप? देखो भाई, ऐसा है कि जिन लोगों के लिए पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा है वो इससे ना डरे, यानी कि तुम यो समझो कि मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, ठीक है ना? किस कलर का? अबे चलना लड़ना, अबे चलना। We'll be right back.
छोड़ना नहीं। क्या कर रहा तू? शराब की जगह दूध पिया कर तो जरा सख्ती आएगी। ए, कौन सा गाय का या भैंस का? चलना क्वेश्चन आंसर। ये नेताजी दुबली पतली इंस्पेक्टर। हाँ अभी आगे देखते जाओ। चुप। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। ए, चलना है टिंग टोंग। क्या नेताजी यो है तुम्हारा मुन्ना? बेटा मैं क्या कह रही हूँ कि तू घर में जो बाथरूम बनवाएगा ना उसमें हरे रंग की टाइल्स लगवाई हो। गृह प्रवेश बाकी है। मम्मी आज फैसला हो जाएगा कि बाथरूम बनेगा भी या नहीं। अमीनाबाद में नेताजी देखा आपके चंपले ने बिल्कुल सही कहा। 40 हड्डियां टूटेंगी 40। अभी देखे जाओ देखते जाओ। हाँ देख ही रहे हैं। हाँ चल फाइट खत्म। चल उड़ जा चलो। ओ अबे अबे चीटिंग है भाई। इसने मिश्रल की आंख में कुछ डाल दिया जैसे हमारी आंखों में डाला था इसने। अरे नेता ये चीटिंग है तेरे साले की। है चुप रहिए आप। अरे मोहब्बत जंग और चुनाव में सब जायज है। बाकी हमारा नाम ओरा है और इंस्पेक्टर की आंख के सामने कोहरा है। टिंग टोंग। ए साले। हाँ जी जू। ए जब दिख नहीं रहा तो मार कैसे रही? टिंग टोंग। ओ चिंटू चोटी
लती पप्पी तो दे रहे चुप यार। चीटिंग से हमें मारा था ना, हमारी चीटिंग। ये लो मिश्रा ना मारो। ए, नहीं मैडम, एक मिनट ठीक है। आर यू ओके? अब आप क्या कहेंगे नेताजी? अरे कहेंगे क्या सर, साले की हालत देख के मुंह चबूतरा हो गया फैल के। खसियाने बिलौटे लग रहे हैं फैल के। है, है। चलो देख ले कितनी हड्डी टूटी, गिन लो। और अब शर्त के मुताबिक ये आदमी रजनी द्विवेदी की जमीन पर दिखना नहीं चाहिए, समझ गए? अरे चलो चलो तुम लोग यार यहाँ से। है? है, है। अरे करोड़ों की जमीन है, अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? इसको मैंने कहा था कब्जा करने के लिए। अरे ऐसी पता नहीं कितनी जमीनें जो है हमने कब्जा करवाई हैं। तुम्हें पता है जो 2500 करोड़ का जो जमीन घोटाला है उसे मैंने करवाया है, मैंने। तब तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाए। अरे हम नेता हैं नेता, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नाम वोरा है और चारों तरफ कोहरा है। कोहरा छट चुका है नेता जी, क्योंकि चारों तरफ गर्दन घुमा के देख कैमरा लगे हुए हैं। और थारा यो बयान जो इकरार जो तैने करा है ना, वो रिकॉर्ड भी हो चुका है और इसकी लाइव फीड न्यूज चैनलों में पहुंच चुकी है। अरे नेता जी को कोई टीवी दिखाओ और आईना भी। वेल डन मिस्टर चौटाला, वेल डन। आज आपने साबित कर दिया कि कानून और वर्दी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। यस। थैंक यू सर। इसलिए आज एक नारा लगाना तो बनता है कि जो पुलिस से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।